प्रोग्राम आयोजित। स्कूली छात्राओं द्वारा मनमोहक नाटक के माध्यम से लोगों को किया जागृत। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के सटई में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का चतुर्थ प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जहां स्कूली छात्राओं द्वारा मनमोहक नाटक के माध्यम से बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में लोगों को जागृत किया, जहां स्कूल की छात्र छात्राएं शिक्षक और नगरवासी उपस्थित रहे। इसके अलावा न्यायाधीश के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम को 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संपूर्ण भारत में आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया। सटई से तौफीक अहमद की खास रिपोर्ट। इसमें विशेष ध्यान दिया जाए, नगर के जो लोग बैठे हुए हैं इस पर थोड़ा पहल करें कि जो हमारे जो सुख सुविधाएं हैं, बाउंड्री वाल या कमरे की समस्या या पानी की समस्या, इसको देखें। इसको क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। दादी माँ मुझे 50 रुपए दे दीजिए। काहे के लिए चाहिए? स्कूल की बुक के लिए चाहिए। तो मैं कहाँ करने पढ़ लेके तुम्हें आगे जाके चूले जाऊँ? आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ये कानूनी अपराध है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है, यही से मेरे को ब्याह पड़ना। वो आके घर देखेगी, चूल्हा चकिया देखे अपना, माने जितना लड़कों का है। भाई लोग आप भी ना कर, भाई लोग आप भी ऐसा कभी मत करना। बेटा और बेटी में भेदभाव, जितना बेटे का हक है उतना बेटी का भी हक है, इसलिए जितना बेटों को पढ़ाया जाए उतना बेटियों को। वो विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर और हमारे पाठक जी हैं उनको, उनसे मिलिए, उनसे बताइए आपकी जो भी परेशानियां हैं और वहां जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए। वहां आपको जो भी समस्या है बता दीजिए निशुल्क में। आपके पास अगर फीस देने के लिए नहीं है अधिवक्ता को, तो वहां पर आपके लिए निशुल्क अधिवक्ता भी नियुक्त किए जाते हैं। आपको किसी चीज में समस्या आ रही है, गवर्नमेंट की इतनी सारी नीतियां चलाई जा रही है, स्कीम चलाई जा रही हैं, उनमें अगर आपको कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है तो भी आप विधिक सेवा समिति से संपर्क करिए, कोर्ट में आइए और आपकी हर संभव मदद जो भी हो सकती है वो न्यायालय द्वारा की जाएगी। श्रीमान जी, आज आपके द्वारा नगर सटाई में प्रोग्राम रखा गया है, इसका क्या मकसद है और इसका क्या उद्देश्य है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय जिला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री हृदय जी श्रीवास्तव के निर्देशन में एवं मार्गदर्शन में नगर पालिका सटई में यह विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों के द्वारा अपनी विभिन्न तरह की प्रस्तुतियां दी गई हैं तथा इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा नालसा द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों को विधिक रूप से सशक्त कर उन्हें कानून के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां देना तथा उन्हें